बस 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 आ जाओ गिरो मत, थारी आज्ञा। माइक लीजिए। हेलो। हेलो, सर कहाँ से आना हुआ भगवान? बेसिकली मैं एमपी से हूँ। एमपी से? हाँ जी, यहाँ क्या कर रही हैं? ये यहाँ तो मेरी गुजर, शादी हो गई एक्चुअली। तो आप गुजराती हो गए यार। हाँ तो अच्छा, नज़दीक आ जाइए। एक्चुअली ना मुझे डर भी लग रहा है, आप पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, बट देखिए मैं बताती हूँ। हाँ शांति से बताती हूँ। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। हमको नहीं मानते हैं। नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हो। एंड मतलब अब भगवान को मानती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, बट ऐसा सोचती थी कि कैसे जाना होगा, कैसे कैसे, व्हाट इज़ द प्रोसेस। बट मैं वहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलती, मेरा दिल बहुत साफ है। मैं वहाँ बैठ के यही बोल रही थी कि ये सब सेटिंग है क्या यार, बट आपने मुझे बुला लिया। मतलब आई एम रियली मतलब स्पीचलेस। ऐसे भी लोग गुजरात में पाए जाते हैं। सॉरी, आप बोल रहे थे ना कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अंधविश्वास नहीं करती, हम बोलते भी हैं कि बट अंध भरोसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, बट मैं मतलब मैं एकदम वर्डलेस हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। मेरी आपसे दो ही रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस आपका बागेश्वर बाबा का इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर में और मेरे ससुराल साइड पर अभी बहुत सारी बीमारियां चल रही है, तो सब सुखी से शांति से रहें बस, ठीक, और और कोई कुछ बात? नहीं। और कुछ ना, एक्चुअली मैं सही बोल रही हूँ नहीं गलत बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट कुछ बच्चे ना 3 बजे से वहाँ पे अपाहिज हैं, कब से बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। तो सही बोल रहे हैं, वो तो गुरुजी की प्रेरणा से आपको उनको बुलाएंगे। और मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर आपके बागेश्वर धाम में ऐसे फ्री में किसी की सेवा वेवा करनी हो ना तो मुझे बुला लेना आप। स्वागत, आप दरबार में बालाजी की कृपा पाने आई हैं। दोनों पक्षों का प्रश्न है, स्वास्थ्य निरोगता का आशीर्वाद है। नवचंडी पाठ करवा दीजिए। नौचंडी करा दूँ ना? ठीक है, थैंक और यू। ये आपका मंत्र भी लिखा जो आप जप करते हो। हाँ मैं आऊंगी पक्का, बागेश्वर धाम भी आऊंगी। स्वागत। कुल में भी आपके देवी हैं बहन, पूज्य हैं। हाँ जी, अष्टमी की पूजा होती है हाँ जी, नवरात्रि की, तो ओके। उनके वो झंडा और श्रृंगार दे दीजिए। वो अभी रुष्ट हैं, बाकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों में अति बीमारियां जो बन रही हैं उन्हीं की कुदृष्टि के कारण बन रही हैं, खासकर आपका माई का पक्ष तो कुदृष्टि के कारण है। उस पर आप तुरंत नवचंडी पाठ करवाएं, बागेश्वर धाम पर दर्शन के लिए भेज दें। एक ठीक है, हमने मंत्र लिखा, उसका जाप शुरू करें। ठीक है सर। बाकी हम बुराई भी बहुत करते हैं, छिलाई भी बहुत करते हैं, प्लीज प्लीज इसीलिए सर, नहीं बता रहे हैं। प्लीज, थैंक यू। क्योंकि हमको बहुत ना गुस्सा चढ़ती है जब कोई देखते हुए इग्नोर करता है और सब कुछ जानते हुए, उस शक्ति को समझते हुए जब कोई उंगली उठाता है, तो आपने तब जिसके ट्रस्ट पास दिला दिया बंदूक ना, होती है ना, तो वो फिर कहता है कि आ जाओ सामना कर लो। थैंक यू सो मच लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अब आपका तो नहीं बताएंगे, सर, प्लीज। नहीं बताएंगे पक्का। लेकिन आप जिन दो लोगों को लेकर आएंगे उनका पर्चा निकलेगा। अभी हम आप जिनको हम बुला रहे वो प्लांटेड हो सकते हैं, जो कि आपने सोचा था। ठीक ओके, है, अब हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे ठीक है, पहले से, ठीक और पर्चा को यहां बंद कर देंगे। और आप इन लाखों लोगों में से जिनको लेकर आएंगे उसी का पर्चा निकलेगा और उसी के प्रश्न निकलेंगे। और ये भविष्य पर निश्चित है कि आप किन को लाएंगे, फ्यूचर पर, बागेश्वर धाम, ठीक, फ्यूचर पर निश्चित है। नहीं, यहीं अभी अभी। तत्क्षण। बाकी आप भी कम नहीं हो। अपना पर्चा आप रख लीजिए। ठीक है सर,
आप पहले आप बैठी रहेंगी हैं। हाँ जी। राम राम। हमने आपको बुलाया भी इसलिए क्योंकि आप बहुत बुदबुदा रहे थे। कितना नंबर है? एक। ये भरा हुआ पर्चा है? हाँ जी। ये हमने मोड़ दिया। ओके। इसको हमने यहाँ रख दिया। राम राम। सन्यासी बाबा की जय। ये कितना नंबर है? दो। ये भरा हुआ पर्चा है? हाँ जी। ये हमने मोड़ा है। ये दफ्ती है। आप इन लाखों लोगों में से जिनको भी लाएंगी ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। आपकी क्षमता नहीं है, जिनके बारे में हमने लिखा उनके अलावा तुम किसी और को ले आओ। अब आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाउ पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, प्लांटेड हो सकता। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। प्लांटेड हो सकता? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। हो सकता जिनको हम बुलाएंगे वो प्लांटेड? आप तो नहीं हो प्लांटेड। अरे सर सॉरी। आई एम नॉट सर, स्पिरिचुअल गुरु। गुरु जी सॉरी। आप पीछे जाइए। हाँ जी। माइक रख दें। जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजवे। यहां से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है और वो रेलिंग भी पकड़ लो। पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े बालक, किसी को भी, एनी हाउ, आप किसी को लेकर आए। अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में हैं। और तुम में दम हो, आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी, हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, ना हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करें, हम ठटरी बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जय श्री राम। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल से, वीआईपी से, खड़े हो, टंगे हो, चाहे जहां से ले आओ। हम तो कहते कि तुम कारों में से पकड़ के ले आओ, रोड पर जो चल रहे तुम उनको लेता हो। लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि हा प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटरी। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को, और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा।
क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता हनुमान जी की यह सिद्धि का प्रताप है। राम सिर्फ दो लोगों को लाना है। बहन बहन एक बार पीछे भी जाओ, अगर तुम्हें बदलना हो तो बदल दो। कहां गई बहन, गायब है क्या? माय डियर सिस्टर, हेलो माय डियर सिस्टर, माइक भेजो मेरी प्यारी बहना के पास। बहना का क्या कहना, बहन अगर हो सके तो आप जरा पीछे भी जाओ, पीछे में से भी किसी को ले आओ, किसी को भी। लेकिन एक बात बोलें, ये लाएंगी उसी को जिनका पर्चा लिखा रखा। इनकी क्या दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है हनुमान जी के सामना की। क्या हनुमान जी से दुनिया में कोई बड़ा है? इनको माइक दीजिएगा कॉर्डलेस प्लीज। ये माइक उठाओ, यहां कौन है सेवा में, ब्रजेश से माइक पहुंचाओ डियर सिस्टर के पास। मतलब अगर हम इनको ना बुलाएं तो इन्होंने तो हमारे पूरे दरबार पर ही पानी फेर दिया था। मतलब हमारे पास अगर शक्ति ना हो, गुरुजी अगर हमें प्रेरणा ना दें तो हमारी तो फिल्म पिटी पड़ी थी। हैं, अद्भुत जमाना रे, बाहरे जमाना, अद्भुत तमाशा है इस जमाने का। क्या खेल रचा तूने, जय हो भगवती, खा लो प्राण। वो बुलाएंगे, उनको प्रार्थना करो। बहन आप लोग वहीं रहो, दोनों वहीं रहो बगल में। बहन खड़ी हो जाओ, आप ले आए लोगों को माइक से बोलो, बैठ सी जाओ आप लोग। इनका माइक चालू करो बहन का। आप ले आए? हाँ जी। अभी आप जिनको ले आए उनमें से किसी को बदलना तो नहीं है? नहीं। शायद आपकी गलत च्वाइस हो तो आप बदल दो, आप बदल लेंगी तो पर्चा बदला मिलेगा। नहीं। फाइनल? हाँ जी। लॉक कर दें? जी। तो इन्हीं के पर्चा है। पहले नंबर पर आप जिनको भेजना चाहो भेजो, साथ वाले आएंगे, रोगी कोई नहीं आएगा। आ जाओ साथ वाले। किसको भेजना चाह रहे हैं पहले? सर ये लड़की, छोटी बच्ची। बच्ची के साथ में कौन है? बच्ची के साथ में कौन है? बच्ची के साथ में हो तुम? तुम वहीं बैठो, माँ को आने दो। ये हैं साथ में बहन जी? ये हैं? हाँ जी। फाइनल? हाँ जी। बदलना तो नहीं है? नहीं। पढ़ी लिखी हो? आओ तो आप अखाड़े में, यहाँ बैठो, माइक लो। क्या समस्या लेकर आई, किसकी लेकर आई, क्या नाम है? मेरी बच्ची का नाम फ्लोरा प्रकाश सहाय। क्या है? फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। फ्लोरा नाम है। वो ठीक है, चलती नहीं है। अच्छा, इसको अब बहन ये तो बात अलग हो गई यहाँ तक कि आप ही चुनेंगे। अभी एक पार्ट और बचा है। हमने पर्चे कितने बनाए थे? दो। कितना नंबर डाला था? एक और दो। इन्होंने जो क्वेश्चन बोला, इन दोनों पर्चों में आप जिस नंबर को बोलेंगी उसी नंबर में इनका क्वेश्चन मिलेगा।
इसमें भी तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम कोई अलग नंबर बोल जाओ, इसमें भी हमारे गुरुजी की क्षमता है कि तुम वही नंबर बोलोगे जो इनका होगा। अगर तुम्हें बुद्धि पड़ी, क्या आपने एजुकेशन की? सर एचआर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। बहुत लंबी है हमारे तो मूड के ऊपर से है ये पढ़ाई, लेकिन आज फेल होती दिख रही है। ओ, ये तो नहीं है प्लांटेड? हाँ जी, ये प्लांटेड तो नहीं है। कौन नहीं। सा नंबर खोला इनके लिए? एक फाइनल। हाँ जी। दो तो नहीं? नहीं सर। दो कह दो, आपकी जो इच्छा हो। नहीं, आपकी जो इच्छा। एक फाइनल। हाँ जी। लॉक कर दें? हाँ जी। कितना नंबर है? एक। राम, कब से दिक्कत है इसको? ये जब बॉन्ड से है। कितनी समय? इसको 6 महीने के बाद हुआ है। कितनी आयु हो गई? कौन से सन का बॉन्ड है वो भी लिखकर आया है। कब का इसका जन्म है? 1994। पढ़िए, 1994 से पितर दोष के कारण चल नहीं पाती फ्लोरा, पैर दोनों शून्य है, कुल देवी कृपा से आराम लगेगा। झटका लगते हैं बीच बीच में, वह शून्यपन है, जन्म जात है, गर्भस्थ समस्या है, ब्रेन का विकास नहीं हुआ, वह ब्रेन स्ट्रांग नहीं है, डॉक्टर ने लाइलाज बताया है, आराम लगना मुश्किल है, नेत्रों की भी समस्या है, आराम 30% धाम से लगेगा, ये तुम्हारा पर्चा है। बराबर, क्या ये बात एकदम सही? सही है, सही। माइक से बोलिए। सही है, कोई संदेह नहीं। इसको क्या है, कुछ फायदा नहीं, तो नहीं है प्लांटेड। डियर सिस्टर, अभी आप रह गई हैं। सॉरी बोला मैंने गुरुजी। इसको क्या है, उसका बिगड़ता जा रहा है, उसको कुछ फायदा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी कराओ, कुछ भी कराओ, उसको कुछ फायदा नहीं होता है, बिगड़ता ही जाता है। घर में पितृ दोष है। हाँ। पितृ दोष का उपाय करवाना है। हाँ। हमने इसमें एक मंत्र लिखा है। हाँ। कुल देवी का उपाय करना है। फ्लोरा को 30% लाभ होगा। हाँ। पूरा तो नहीं होगा, चल नहीं सकेगी। 30% ताकत आ जाएगी। अच्छा, और चले ऐसा कोई उपाय? हाँ, दो मंत्र हैं, एक आपके लिए है, चूंकि एक आपका घर की भी अर्जी है। हाँ, घर में ठीक है, घर में भी है, बहुत हैरानी बनी, उथल पुथल मची। हाँ। ये हमने आपको मंत्र लिखा, ये घर के लिए, ये बेटी के लिए, ओम एम आदि आदि, ये हमने हवन का लिखा, कुल देवी का हवन कराएं फ्लोरा के लिए। अच्छा, ने मेरी तबीयत भी ऐसी रहती है। बात एकदम सही है, कोई संदेह है? सही, नहीं अक्षर सा अक्षर सा। चलिए नेक्स्ट, और कौन लाए थे आप? फाइनल है, इनको तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं नहीं, हो सकता प्लांटेड हो, अभी और बदल दो आप, एक मौका आपको है, चांस। हम अभी करते हैं उपाय, अभी हम भभूति भी देते हैं, इसका ब्रेन बहुत तेज है, शार्प माइंड है, चूंकि ये काम भी करते हैं। हाँ जी, काम भी करते हैं, तो माइंड बहुत शार्प है, लेकिन बस उसके अंग काम नहीं देते हैं, और वो जन्म जात ब्रेन के कारण हुआ, गर्भ में ही। और ये आपको ये बात रहस्य की बता दें, ये डॉक्टर शायद बताया हो ना बताया हो, गर्भ का गंदा पानी दिमाग में चला गया। बराबर, हमारे वाईफाई बहुत तेज। चलो माँ, वहाँ है बबूति। बहना तुम मुट्ठी बांध लो दोनों, फ्लोरा मुट्ठी बांध लो तुम, कैसे भी कोशिश करके, बस बस जाओ आप वहाँ से बबूति, वो बता देंगे पंडित जी बबूति कैसे। डियर सिस्टर, अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है, अभी हम जीते नहीं है, क्योंकि एक पर्चा बचा है, हरा के हम मानेंगे। आप अगर बदलना चाहो, एक नई पार्टी लेकर आओ। बुला लूं यहाँ से? अपने नहीं। हाँ? आप अपने नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो तुम्हारे हैं। हो 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 हो। I am बागेश्वर धाम सरकार।
अननोन अगर तुम बुलाना चाहो तो बुला लो, बुला लो, अननोन, अननोन। सर फिर इसी बच्चे को देख लीजिए ना, जो आ गया स्टूडेंट, इनके साथ वाले फाइनल, फाइनल लॉक कर दें। हाँ जी ठीक है, आ जाओ सर, साथ में कौन है इनके, देखते हैं दम कितना बाजुए का दिल में। अब तो नहीं प्लांटेड लग रहा आपको, अब ये ऐसा हो सकता है, ये भविष्य पर निश्चित था कि आप किसको लाएंगे, ये भविष्य पर निश्चित, मतलब भविष्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर, ये फ्यूचर पर निश्चित था कि आप कौन सा नंबर बोलेंगी, लेकिन ये पहले निश्चित था कि तुम किसको लाएंगी और क्या बोलोगी। अभी आपको पता नहीं होगा कि एक पर्चा तुम्हारा पहले से बना रखा है, हम कच्ची गोली तो बहन खेलते नहीं, आप नजदीक आओ, वो निकलेगा झोली से, वो पर्चा दफ्ती के पास से नहीं निकलेगा, झोली से निकलेगा। जोगिया रे बोलिए, क्या प्रश्न है, कहां से आए आप? हम पादरा से, आंध्र प्रदेश पादरा। कहाँ है ये? पादरा से डबका गांव। पादरा? पादरा, पादरा। पादरा, पादरा। नाम बदलो यार। कुछ और बोलो ना। पादरा तालुका। चलो पढ़े लिखे हो, अच्छा ठीक है, तो नजदीक आओ आप, बुरा मत मानना, हमारा स्वभाव है साहब, हम गंभीर हैं, किसका प्रश्न लेकर आए? वो हमारा लड़का था, था कि है? लड़का है, हिंदी समझ में आती है पर बोलने के नहीं आती है। पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है। प्रश्न है, छोकरो पांच धोरण भण्यो, पांचवी कक्षा में पढ़ो और छठी कक्षा में आया, उसको इन्हें पढ़ जाता थे, वो हाथ ऊंचा नहीं थाता है, ऐसा धीरे धीरे दुख वधा, वो अतारे पूरा शरीर में उसको दुख लग गया, इसलिए कोई अंग भी इन्हें काम नहीं करता है। नाम? अतुल। एक प्रश्न और आया है, टोटल दो आए हैं, तो क्या आप पूछेंगे या हम बोलें? आओ नजदीक, एकता रहेगी, पढ़ते जाना है, पढ़ रहे ना? हाँ। एकता रहेगी घर में, बेटे का आशीर्वाद लेने आए, चल नहीं पाता, धीरे धीरे शरीर सुन्न हो गया, मस्कुलर दिक्कत, नसें टेढ़ी हो गई, अतुल नाम है, इसको आराम धाम से लगेगा आशीर्वाद है। पर्चा पढ़ लिया? पढ़ लिया। इसके ऊपर टोटका का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी नसें घुल गई, नसें घुल गई, घुल गई और नसें टेढ़ी हो गई, लाइलाज बताया है, बच्चा अभी भी बुद्धि का तेज है, लेकिन बाणी लड़खड़ाने लगी है, जवान जीव, चिंता ना करो, बालाजी कृपा करेंगे, इस बालक के ऊपर काली माता का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्हीं के दिया हुआ है ये, समझ गए? तुम्हारी इष्ट देवी भी काली माता है, तुमने अपने मकान में अलवारी में, पूजा रूम में अलवारी में काली माता का फोटो रख रखा, सही है, सही बात है, है? सही बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, नींबू भी तुमने नवरात्रि को चढ़ाया था, चढ़ाया था, जो सूख करके अभी भी कोने में डला हुआ है। बोलिए बालाजी महाराज के।
दादाजी आपने घर का बंदेज भी करवाया, बंधन करवाया, हमारी भाषा तो पूरी समझ आ रही आ रही है। तो घर के बंधन में आप लाल झंडा लगाओ, इस मंत्र की तीन माला करो, बालाजी कृपा करेंगे बेटा पर व अतुल को लाभ धाम से होगा। समय बहुत लगेगा, समय लगेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे। और आपको ये जो कुछ टोटका वाले लोग मिल गए ना, उनमें अब रुपया बर्बाद मत करो। सही बात है, बोलो बालाजी धाम की जय। अभी वहां से आप भभूति लो, मालिश पूरी करो, हम एक मंत्र का प्रयोग अभी कर देते। तमें जाओ बहन, अब आप आओ। जय सीताराम। ये पहले से पर्चा लिखा रखा है। हाँ जी। पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन इस घटना के बारे में लिखा रखा है कि घटना घटेगी। नाम क्या है आपका? वीणा। वीणा, वीणा, वीणा जो बजती नहीं है, बजाती है। आज हुआ क्या है वीणा को? आज बजी है कि बज गई? बज गई है, सच्ची में बज गई है। आई स्वेर, भगवान की सौगंध, हनुमान जी की सौगंध, मैं इतने दिनों से बोल रही थी धीरेंद्र शास्त्री जी आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला तू जा, हम नहीं आएंगे। बाद में एक फ्रेंड मिली, कल रात से तबीयत खराब थी, इंजेक्शन भी लिए, हाथ में दाग भी है मेरे इंजेक्शन का। आज अचानक 3 बजे मुहूर्त लगा और मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा चल जाते, और अर्जी लग गई। आज एक उपद्री दरबार में आएगी, जो कलेश करेगी वह परीक्षण लेगी, आपको प्लांटेड कहेगी, बिना नाम होगा, वह सुधर जाएगी। मतलब आप सोच लो कि हम कितना भविष्य पहले से लेकर चलते। सही। प्रचार कितने लिखे थे हमने? 3, 9, 4। आपके सामने कितने पर्चा लिखे? 2। ये तीसरा अलग है। कोई नहीं, बाकी बोलना तो हमें बहुत कुछ था। नहीं नहीं। सर वो नवचंडी का मैं मेरे ससुराल मायके दोनों में कराऊं, दोनों जगह मतलब तकलीफ है। माइक नीचे रख दो। अब आपको हम पर और भरोसा हो जाएगा। दोनों जगह धाम भी आओ, अब वहां सेवा करो, नहीं तो बिना बचती रहो। हाँ, इतना विरोध करेंगे हम, इतनी खिंचाई करेंगे, अब तो नो डाउट ना। खुश रहो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, आइए। सीताराम बेटा, इलायची देना, इलायची। ठीक से बैठ जाओ। कहाँ से हैं आप? यही बड़ौदा से ही हूँ।
और वारशिया से आई हूँ और 4 बजे से आके बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना था बस। और बिल्कुल पूरा यकीन था कि आप हमको बुलाएंगे और बुलाएंगे ही। और मैंने उनको बोला भी था कि देखना आप ही मुझे बुलाएंगे, तो मेरी अर्जी स्वीकार हो गई। बालाजी बहुत सुनते हैं, वो बहुत दयालु। बिल्कुल। और आप जब से आपके वीडियोस देखे हैं, जब से आपके मतलब सुना है प्रवचन, तब से बस यही था मन में, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं घर पे, तब से यही था कि आप एक बार यहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे तो हम पता नहीं कब जाएंगे, बट एक बार यहाँ पे आ जाओ, आपसे मिलना है, यहाँ पे आ जाओ। आप आ ही गए सच में। इसमें हमारे कमलेश जी और अध्यक्ष जी की भूमिका है। कमलेश जी गए, उन्होंने जबरदस्ती लड़ करके कहा कि एक दिन के लिए आइए। नहीं बिल्कुल, अभी यहाँ पे वो बालाजी का मंदिर भी बन रहा है, तब भी आना। अच्छा, हाँ हाँ, आज हमें पता लगा मेहंदीपुर बालाजी वाला। जी जी, हाँ हाँ, आज आए थे, कह रहे थे आपको आना है, बनाएंगे। पूछो क्या प्रश्न। जी ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, बस आपके दर्शन करने थे, वो दर्शन हो गए तो बस सब कुछ मिल गया। कोई प्रश्न नहीं, पढ़िए। घर पर कृपा रहेगी, कोई अर्जी नहीं है, घर पर भी मिलने की अर्जी लगाई, ना कोई प्रश्न बोलेंगी, ना कोई प्रश्न लेकर आई है, केवल कृपा चाहती हैं। बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय। हमारा पर्चा भी यही कह रहा है। बिल्कुल सही है। सीताराम सीताराम जी, आपके लिए प्रसाद स्वीकार करो। हाँ। सच्चे दिल से लाया। बिल्कुल, मेरे जीजा जी हैं, बहने हैं, वो भी मतलब वो बालाजी को ही मानते हैं, सिर्फ उनको यहाँ से हाथ दिखा दीजिए। अच्छा जी, बिल्कुल, वो मेरे जीजा जी हैं, वो भी बिल्कुल बालाजी सरकार के ही है, वो बहुत मानते हैं। हम लोग 4 बहने हैं। पढ़िए। नया कार भी कृपा होगी, 4 बहनों पर भी कृपा होगी, बालाजी के ये भी भक्त हैं मेहंदीपुर वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कृपा चाहिए बस आपकी। साधु जी खूब करुणा करें। और समाधि वाले बाबा का आप जलेबी का प्रसाद दे देना जाते ही, क्योंकि आपने पिछली बार बोला था तो वो पहुंचा नहीं है अभी, तो आप घर पे लगा देना उनका। और समाधि वाले बाबा बीच में आए थे तुम्हारे यहाँ, और वो जो नाग बनकर के एक बार हुए ही थे, वो कोई और नहीं, उन्हीं की सेना थी। बालाजी सरकार की जय। हमारा भाई भाई बहुत स्ट्रांग है, वहीं से जुड़ा है जहां से तुम जुड़े हो। सच में बहुत प्यारे हो, बहुत आशीर्वाद। धाम भी आना बागेश्वर, बालाजी करेंगे, हम आएंगे पक्का। खुश रहो। नहीं आपको आना ही है। हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का, खुश रहो। प्रसाद अच्छा, माला हाँ, स्वीकार करो बस। अरे सीतारा, बालाजी जो जो बस 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 आई। अगला नंबर सीताराम। सीताराम बस धर दो, उन्हें दे रख दूं। खुश रहो, जय हो, सदा जय हो।